साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ले फिर आ गए। वेक अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोस एज प्लान्ड। तो प्रॉब्लम क्या है उसकी? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ के सब सब प्रॉब्लम है। एंड वर्थ द चीज रेड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मेरे दोस्त सही कहते हैं, 4 साल तूने दोस्त निभाई होगी, लेकिन उसने 4 साल तेरे को यूज करा ना। बेबी मेरा मेकअप खत्म हो गया, मुझे मेकअप दिला दो। बेबी मुझे पिक्चर दिखा लो। बेबी मुझे घुमाए ले जाओ, और साथ ही साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन करा दो। और जब मैंने पूछा ब्रेकअप क्यों हुआ है, सो वही ही हैज नो फीलिंग्स फॉर मी, ही चीटेड ऑन मी, एंड आई एडवाइस टू हर लिव हिम। और अगले दिन नहीं पता वो क्या स्टोरी पोस्ट करती है, कोई पूछने वाला मैं अलग नहीं कर सकता। सीरियस यार, लड़की को ना कोई समझ नहीं सकता, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बेस्ट फ्रेंड।